मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। आज जो है ना ब्लॉक का स्टार्ट इस गाने से हो रहा है, क्योंकि 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 अब है वट सावित्री पूजा, पति का पूजा करेगी हमारी धर्म पत्नी। खुश कितने और हैं कि मेरे ना हमारे चरणों में पड़ी जाती साल में ना तीन दिन खुश होते हैं बेचारे, एक तो वट सावित्री, करवा चौथ और तीज, बस तीन दिन तो बोलते हैं कि उठ पहाड़ के नीचे आता है। मेरी बीवी जो है ना आती प्रणाम करने, बोलते नहीं नहीं मेरे दिल में आपके लिए जगह है, नॉट इन माई चरण। और ऊपर से गदगद होते हैं, ठीक है, प्रणाम जब करते हैं, अच्छा यार आज तो ऊट पहाड़ के नीचे आया, चलो झुकी झुकी। नहीं यार ऐसा नहीं है यार, हम अपने बीवी को बहुत मानते हैं, बहुत लव करते हैं मारते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज कल है वट सावित्री, लेकिन अभी इवनिंग हुआ है तो कितना बज रहा है ये देखिए, 17:34 हो रहा है अभी, ठीक है। तो ब्लॉग अभी से कंटिन्यू करेंगे, मेरा ठकुआ बन गया है और पूजा के लिए एक और चीज बनाना है, और इनको 4-5 फल लाने बोले हैं, अभी तक नहीं लाए हैं, और कब लाएंगे पता नहीं, मॉर्निंग में। अच्छा लाना है, ले आएंगे, हम छुट्टी भी ले लिए हैं वट सावित्री के लिए ना, छुट्टी लिए तो ये वट सावित्री स्पेशल है, ठीक है। तो सोचे कि जब पत्नी जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमें छुट्टी लिए है ना। हाँ तो देखिए वो जो है ना गैस ऑन हुआ है, क्योंकि बीवी जो है मेरे लिए चाय बनाएगी, चले चाय बनाएगी। वट सावित्री लास्ट टाइम नहीं लिए थे क्या, हम हर साल ले लेते हैं वट सावित्री में बाय, कि मेरा ही तो पूजा होता है अभी लगाने वाले कराने के लिए। दवा छोड़िए, अभी लगेगा इसमें मेहंदी और इस हाथ में पता नहीं कौन लगाएगा, देखते हैं। हाँ पिछले बार हम लगाए थे, मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, चांद तारा बना था, कमल किचन में कमल बनाए थे लास्ट ईयर। हाँ इस बार आप ही बनाइए यार, अच्छा नहीं यार, तो अपने से नहीं बनेगा ना, मेरा बहुत ही बकवास। तो चलिए चाय बनाते हैं और मेहंदी लगाते हैं, और हमारा पूजा का ठकुआ बन गया है, और एक गुलगुला बनता है वो बनाना है, जो बर बोलते हैं उसको वो बनाना है। और ब्लॉग में बने रहिए कल तक, कैसे हम पूजा वूजा करते हैं सब कुछ। और एक चीज, हमें वैक्सीन का डेट मिल गया है फाइनली, वैक्सीनेशन डेट हम लोग को मिला है फाइनली। हम तीनों को नहीं नहीं, हम पूरे फैमिली को, हम तीनों को नहीं नहीं, फैमिली को वैक्सीन का अपॉइंटमेंट मिला है। हम दोनों को तो मिला है, बुआ को भी मिल गया, लेकिन रिसीद का अभी सोच रहे हैं। अभी रिसीद के बारे में जो है ना थोड़ा सा उसको जो है ना थोड़ा डाउट हो रहा है, तो हम लोग जो हमारे दोस्त यूएस में है ना, क्योंकि यूएस में जो है अराउंड 6 लाख बच्चों को मिल चुका है अभी, हाउस हाउस हम लोग पते कर रहे हैं, हाउस हाउस को फोन किए बट अभी वो क्लोज है, कल मॉर्निंग में फिर फोन करके जो है ना रिसीद के डॉक्टर से भी बात कर लेंगे। यूएस में हमने एक दोस्त से बात किया, वहाँ पे जो है एक बच्चे को मिला है, प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग और जो है पता कर रहे हैं। और हम लोग को पता है 4 अपॉइंटमेंट मिला, 4 मेरा 4 इनका, टोटल हम लोग 8 अपॉइंटमेंट लिए थे, कैंसिल करके जो हमारे पास में है उसको हम लोग बुक किए हैं। तो चलिए देखते हैं, तो पहले ये वट सावित्री का व्रत खत्म करते हैं, फिर वैक्सीनेशन होगा। तो भैया क्या बताएं, लड़की जो है ना परेशान कर दिए है, आपको दिखाए थे थोड़ा देर पहले क्या बहुत देर पहले, और अभी तक जो है ना ये मेहंदी में अटकल है। मेहंदी अलग बात है सुंदर बन रहा है, लेकिन बहुत देर हो गया, बच्चा जो है ना भूखे पैसे है, दिखा बच्चा को भूखे पैसे छोड़ने वाली ओ लड़की, ओ ममता की देवी, ओ पतिव्रता नारी, क्या हो रहा है। हाँ देखिए, ये देखिए इतना जो है ना इतनी मेहंदी अभी तक बना है, 2 घंटा हो गया, खाना नहीं बनेगा मंगा। हमको लग रहा है आज हमको फिर जो है बनाना पड़ेगा खाना, ऋषि बोलेगा नो खाना नॉट फ्रॉम पापा। देखिए हमारा क्या है ना कि हम खाना तो बना दें, ठीक है, लेकिन ना खाना अच्छा बस बनना चाहिए, वीडियो भी जो है ना हमको बनाना है, ठीक है, और खाना अच्छा तो नहीं बनेगा, ऋषि भी नहीं खाएगा, उसकी माई तो और नहीं खाएगी, इसका तो पता नहीं, हमको भी नहीं अच्छा लगता है ना भाई, हमको भी तो खाना है ना, क्योंकि कल फास्टिंग है तो अच्छा अच्छा खाना, अच्छा खाना आज होना चाहिए, ठीक है चलिए देखते हैं दिखाएंगे कब तक लगता है। हाँ मेहंदी लेकिन ये अच्छा बनाती है ना। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बीवी सोच रही होगी, हाँ तो सोचती है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। मेहंदी लगा हुआ है, इन मेहंदी लगे हाथों से ये मस्त है, स्वादिष्ट खाना बन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी धर्म पत्नी। ये देखिए, अरे हम आए थे दिखाने ना, ये देखिए
क्या बोलते हैं, मस्त मौसम हो गया, देख रहे हैं गजब का एकदम येल्लो येल्लो। जानो चलो बाहर दिखाएंगे, बाहर चल के दिखाते हैं। ये देखिए मस्त मौसम हो गया है ना, गजब का वर्षा हो रहा है। बीबी आ गई, तो बीबी गुस्सा नहीं इतना लगा दे यार, गुस्सा नहीं होंगे इतना लगा के बैठे हो, मैं खाना नहीं बना सकते। आई लव यू, आई लव। आज जो है ना एक बहुत ही अनोखा घटना हुआ, स्मिता जो है ना बाकी जी का लाइव में थी और वो क्या बोल रही थी ना एक आंटी को, अरे आंटी जी आपका जो लाइव है ना हम गए थे उसमें कुछ आवाज नहीं आ रहा था, तो जहां से ये जो है ना वाक्य मेरे कान में पड़ा, मेरे दिल से आवाज निकला कि आंटी बोल रही है बाकी जी वो जो लाइव था ना वो साउंडलेस था क्योंकि मेरे जो दांत है ना वो मैं क्लीन कर रही थी, दांतों जो सेट है ना वो एक कप में रखा हुआ था। क्या लंबा लंबा था। मेरी बीबी जो पागल भी हंसते थे ना, क्या इतना पागल हो गई कि बाकी को फोन किया बोले भैया ये बोल रहे वो भी बहुत हंसी, बहुत मजा आया भाई। अरे हमको तो ये लाइन सुनते ना हंसी आ गया, और बाकी जो बहुत सीरियस थी। अच्छा लाइव आंटी जी हम तो आपके लाइव में गए लेकिन कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था भाई, आवाज वो को क्या हो गया था। साउंडलेस भी होता है भाई आजकल लाइव, ठीक है। घनघोर अंधेरा छा रहेगा, गजब का सन्नाटा और लाइव चल रहा है। हम गुस्से में यार मुझे ये आधा लगा कि कौन काम करता है, बोलो नहीं मैं गुस्से में हूँ। बहुत ही प्यारा लग रही है, देखिए गनगना रहा है एकदम बादल जो है ना मेरे साथ, बादल भी आज गुस्से में गनगना है ना, एकदम कड़कड़ा रहा है, एकदम कड़कड़। प्लीज मैडम चलते हैं हम भी काम करने, काम करने ना, चलिए काम किया जाए, मिलते हैं कल सुबह। इन मेहंदी रची हाथों से जो है कल स्वागत होगा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कल सुबह, चलिए बाय। बीबी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आप सबको हैप्पी हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा, आप सबको हैप्पी बर्थ सावित्री पूजा। तो लड़की देखे जाने लगभग रेडी हो चुकी है, लगभग देख रहे अभी पैरों में रंगाई पुताई चल रहा है लगभग। आज जो है भारतीय रूप में, और मैं भी भारतीय रूप में हूँ, भारतीय पुरुष, भारतीय महिला, भारतीय नारी, इनकी बेबी। तो आज इनका करने वाली है पूजा, आज ये हो रहे होंगे गदगद। स्मिता को हम दिखा देते एक बार ना, बहुत सुंदर दिख रही है लड़की। बहुत ही खूबसूरत, इसको तैयार करने का पूरा श्रेय जाता है इस पति पे। बहुत सुंदर मेकअप किया है ये देखो। तो पूजा का थाली जो है ना मस्त सजा है, बहुत ही चीज वहाँ पे जो रखा गया है, हम ना आप लोग को एक बार जो है ना फोकस करके दिखा देते हैं। हमको तो देख लिए ये सारी में, और इनको देखिए ये, हम भी आज बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, क्या बताएं, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। I'm born the star। अब हम पूजा भी नहीं करेंगे, मेरे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, तो अब पूजा भी नहीं, स्मार्ट है। मेरे इस रूप को देख के मेरी बीबी जो है फंस गई मेरे चक्कर। चलिए बाहर चलते हैं, और बाहर बहुत पछताई, ये मैंने क्या कर लिया।
आज मैं अभी पूजा भी नहीं हुआ, तो चलिए बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ पूजा करने वाले हैं और क्या क्या तैयारी अभी बाहर की, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए एक भारतीय पुरुष जो पूजा करने के लिए जो है ना पूजा की थाल सजा के ला रहा है। पत्नी क्या पूजा करेगी, पति पूजा कर रहा है। चलो चलो लंबा मत दीजिए, हमारे खेर के पास रख दिया जाए। हाँ अब इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आए थे ना तो जो ये बड़ का पेड़ है ना इसका बहुत ही अनोखी कथा है, ठीक है। शुरू में स्मिता जो है क्या करती थी ना कि एक बड़ का जो है ना फोटो जो है ना बरगद पेड़ का लेती थी और उसका पूजा करती थी। उसके बाद जो क्या करने लगी ना कि एक डब्बा में ना उसका फोटो चारों तरफ लपेट दी फिर उसका फिर पूजा करती थी। तो जो है ना ये मैंने जो है ना एक बरगद का पेड़ जो है कहीं ऑनलाइन खोजा। कौन खोजा? आज कुछ नहीं बोलना चाह रहे, कौन खोजा? इस लड़की ने खोजा, ठीक है। बरगद का पेड़ ऑर्डर जो है ना मैंने तुरंत दे दिया, मैंने कुछ नहीं सोचा। और ये कथा जो है ना ये छह साल या 7 साल पुराना कथा है। और हाँ वो जो पेड़ था ना छोटू सा आया था और अभी जो है बहुत बड़ा हो गया है, बहुत भी बड़ा नहीं, बीच में है। वो दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए गजब, वाव, भारतीय नारी बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप पूजा के थाल के साथ। अति सुंदर अति सुंदर है एकदम, वाव, इसका कोई अंत नहीं, गजब, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। तो तारीफ कर दो, इतना व्रत करते हैं आपके। आज के दिन क्या जानू, हम तो रोजे रोज तारीफ करते हैं आपका, पूछ लीजिएगा आप अपने दर्शकों से। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट जो है मेरी बीवी बोल रही सब कुछ हो गया है। और बहुत ही जो है ना अच्छा मौसम है, ठीक है, गर्मी बहुत गजब जो है ना, कड़ा कर देख रहे हैं। सारी पहनने के बाद जो गर्मी होता है ना आज वैसा ही मौसम है। हाँ देख लीजिए एकदम। तो अब दिखाते हैं ना एक और अद्भुत नजारा, देखिएगा। ये सब जो है ना हम गाँव में देखा करते थे। एक लड़की जो है ना गजब सा जो है ना टोकरी उकरी पूरा लेके सामान वामान लेके एकदम पूजा करने के लिए आ रही है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो दृश्य देखिए, वाह जानू बहुत ही सुंदर। आइए वाह, आइए आइए बीवी, अच्छा से एकदम। अरे हम तो बीवी को देखने ही भूल गए कि ना एक टोकरी भी है भाई, रुके दिखा रहे हैं। अरे टोकरी देखिए टोकरी लटकाई है, ये टोकरी में पंखा है आपको ओगने के लिए। अच्छा कैसे बनाया वो भी बताइए। हाँ अभी बहुत गर्मी भी, होंक दीजिएगा यार। चलिए हम आए हैं हेल्प करने, आए नीचे रखे हैं कि हो जाएगा आपसे। तो मेरी बीवी अब रेडी हो गई है, पूजा पाठ अब चालू हो रहा है। ये देखिए ये हमारी गौरी जी, हमारे शादी से हमारे साथ ही है, जहाँ जहाँ जाते हैं गौरी जी जाती है। बस 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 आशीर्वाद रहे, है ना। ए बीबी सुनना, कैसा लग रहा है जर्मनी में जो है ना, आपको सारा सुख सुविधा जो है ना इस पति देव ने दिया है आपको, बताइए क्या बोलना चाहिएगा। इस पत्नी को सारे सुख सुविधा दिए हैं कि देखिए जर्मनी में जो है ना मस्त जो है ना सावित्री जी का पूजा कर रहे हैं। और ये पत्नी जो आपको झेल रही है इतने सालों से, उसका कोई नहीं झेल पाएगा आपके आराम को। पहले तो ना मेरी बीवी बोली ना कि चलो आज पूजा का दिन है तो जो है ना सूरज भगवान निकले हैं, इंद्र भगवान आज ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं ना, ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही धूप हो गए हैं, हे सूर्य भगवान थोड़ा कम कीजिए, दिखाते हैं उसको। ओ मैडम धूप में बैठे हैं आप, छाया में करते हैं। अब वो इतना सामान लेके हम इधर उधर नहीं करेंगे, लग रहा है कि इंडिया में इंडिया के याद आ गया नहीं। तो पूजा का कार्यक्रम जो है ना कंटिन्यू है, देख लीजिए अपने पुजारण को, अभी पूजा चल रहा है, चल रहा है, गर्मी खतरनाक है। खूब गर्म दिन हो गया है, इधर आया हूँ। तो आज हम ना अपने ऑफिस से छुट्टी लेके जो है ना उसको पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमको बोली थी ना कि नहीं छुट्टी मत लीजिएगा, ठीक है हम कर लेंगे अकेले, और अभी तक हो नहीं रहा है, इसको इतना हेल्प किए हैं सुबह से। देखिए कुछ तो अब चालू कर रही लड़की, अब लड़की खड़ी हो चुकी है। अच्छा चलिए अब विधि अब चालू हो गया है, फिर आप लोग से मिलते रहेंगे। तो अब स्मिता को जो फ्री फोकर को जो पंडित जी मिले हैं
ये देखिए, अब वो जो है ना, ये जो व्रत कथा है वो पढ़ के सुनाएंगे इसको। क्या दोनों दक्षिणा उछिना दे दीजिएगा अच्छा से पंडित जी को। तो कथा हो गया है, मेन जो रहता है बट ब्रिज के चारों ओर जो परिक्रमा वो अब होने वाला है। चलिए दिखाते हैं। एक हुआ और ये हो रहा है मैडम आपका पांचवा। पंखा बनाया है मैडम, ये जो है ना हैंडमेड पंखा है। टोकरी को तोड़ तोड़। क्या होगा जानवर? अब मेरा होगा? अरे यार, अब मेरा पूजा होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। उसके बाद ये मेरा पूजा। अब होगा हमारा पूजा। हम बैठ चुके हैं राजगद्दी पे। ओ हमारे प्रेम प्यारी, हमारे जानों से प्यारी, कहाँ है आप? आज का दिन पति का पूजा जल्दी नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी आइए। दौड़ दौड़ के आ रही मेरे बेबी, ये देखो ये रहा पति का थाल। खुश कितने। उसके बाद तो मेरा ही दिन है। खुश कितने लग रहे हैं, कितने खुश। हो गया यार, हो गया हो गया हो गया। चरण कमल धोने के बाद अगला ये कार्यक्रम परी है। येन मधुबली राजा दानवेंद्रो महाबला तेने त्वं प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। हाँ अभी देखिए, अभी तो और थाली जो है ना पूजा का आ रहा है, अभी बचे हुए हैं, मेरा पूजा का होगा। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है हमको, बहुत मजा आ रहा है। अब पंखा ला रही है हमको, होकेगी की ठोकेगी? आपको ना इसलिए होकते है ना ताकि ना आप ठंडे रहिए, इतने गुस्सा उस्सा ना। देखे भैया मेरा होका ही हो रहा है। हाँ जानू होके जरा अच्छा से, इधर इधर हवा नहीं आ रहा इधर। हमको बोलिए ना कि ठंडा जो रहने के लिए हमको होकती है, तो आगे बोल रहा है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक फैन ऑन करेंगे। अब देखो अभी बोल रहे हैं ना कि जो है ना हमें प्रणाम करेंगे हम। नहीं भाई ये सब जरूरी नहीं, हम ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। नहीं होता है ना, वो करना पड़ता है हर जन्म में जो है ना, आपको हम ही मिले चाहिए, आपको आशीर्वाद देना करना पड़ता है। हाँ तो भैया अब हो गया है, ठीक है सारा प्रोग्राम, मेरा पूजा वूजा भी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। हम दोनों देखे, हमको लग रहा है हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं आज। ये क्या बोले पता है, एनर्जी लॉस हो गया, तुम चाय चढ़ा दो। देखिए हम भाई शादी हमको मिला है, पहले उसको खाएंगे। चाय चढ़ा दे यार, प्लीज यार, यार आप हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे। एक दिन ऐसा निकलना चाहिए ना जो अपोजिट हो भाई, रोज होता है क्योंकि पति पूजा करता है रोज। आज यही जमाना हो गया है, वो तो बड़े बड़े कुछ कुछ बना गए थे जो कि पति पत्नी पत्नी ना करती है पति का। वट सावित्री हो गया, तीज हो गया, चांद वाला एक होता है करवा चौथ, बस इसी समय पति रहे को पूजा होता है, तो रोज पति पत्नी का करता है भाई। हमको बहुत अच्छी। चलिए चाय चढ़ाते हैं, फिर हमको थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा एकदम, ठीक है? कौन आप? अच्छा आप तो छुट्टी लिए क्या? बोले तुमको घुमाएंगे एकदम मस्त, ले जाएंगे आपको, ले जाएंगे ठीक है चांद की उन गलियों में, लेकिन आज वो दिन नहीं है। एक दिन ले जाएंगे, सैर कराएंगे आपको सैर गली में। कितना ये आदमी ना छन में छन बार बदलता है, सुबह क्या लंबा लंबा दे रहे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे देंगे, छुट्टी लिए तुम्हारे लिए हमेशा साथ, अभी बोलते हैं थोड़े सोने दो, आज के दिन नहीं सोते हैं। सुनना कितने साल हो गया शादी का? 13 साल। 13 साल में भी नहीं जान पाई हमें, बताओ इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं एंड करेंगे, आप लोग अपनी लाइफ को इसी तरह एंजॉय कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, और फिर से आप सबको हैप्पी बर्थ सावित्री। हाँ हैप्पी 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 हैप्पी।